बिहार के लोगों को बहुत ही सावधान रहना होगा। बढ़ती हुई कड़ाके की सर्दी के बीच अब आने वाले 48 घंटे आपके लिए बहुत भारी होने वाले हैं। अलाव के सहारे पर आ चुके बिहार वालों के लिए अब बारिश और बिजली को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसानों की आधी कमर तोड़ चुका ये बेमौसम बारिश इस बार और नुकसान कर न जाए, इस बात से लोग पहले से सशंकित हैं। अब पटना समेत मौसम विभाग की ओर से राज्य के 19 जिलों के लिए बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो चलिए आपको सब कुछ हम मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक विस्तार से बताते हैं। दरअसल मौसम के बदलते तेवर से बिहार में ठंड और बढ़ने के आसार हैं। दिन के तापमान में कमी आ सकती है। आंशिक बादलों की आवाजाही से धूप की नरमी घटेगी। सुबह और शाम कोहरे की सघनता बढ़ने का भी पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। बिहार में कुछ जगहों पर अगले दो दिनों में आंशिक बूंदाबांदी भी हो सकती है। पटना समेत 19 जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी कर दी गई है। मतलब ये हुआ कि इस बार बारिश के साथ साथ वज्रपात भी होने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दक्षिण हरियाणा और इसके आसपास चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से पटना सहित 19 शहरों में हल्की बारिश, कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा में बहुत घना कोहरा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पटना समेत अन्य जिलों में घना कोहरा को लेकर येलो अलर्ट जारी हुआ है। अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान में आंशिक कमी की स्थिति बन सकती है। कुछ जगहों पर बादलों से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि का अनुमान है। बुधवार को पटना सहित 19 शहरों के तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई। पटना समेत कैमूर, बक्सर और भागलपुर के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बक्सर के तापमान में 2 डिग्री, पटना में 0.9 डिग्री, भागलपुर में 1.8 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई। शेष जिलों में अधिकतम तापमान ऊपर चढ़ा है। अब किन शहरों में पारा नीचे गिरा है वो भी जान लेते हैं। गया का न्यूनतम पारा 8.8 डिग्री, नवादा का 8.6, शेखपुरा 9.5, बांका 6.0, सबौर 6.4, भागलपुर का 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि छपरा का 9.3 डिग्री टेम्परेचर, पूसा का 8.0 डिग्री, पूर्णिया का लगभग 9 डिग्री, फारबिसगंज का 9 डिग्री, बेगूसराय का 9.5 डिग्री सेल्सियस, सुपौल का 9.8 डिग्री सेल्सियस, सीतामढ़ी का तापमान पुपरी में 9.1 डिग्री, मोतिहारी में 6.0 डिग्री, गोपालगंज में 8.9 डिग्री, तो वहीं वाल्मीकि नगर में 9.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। पटना समेत शेष शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या इससे ऊपर रहा है। अब बुधवार सुबह से ही अगर बात करें तो पटना और आसपास का इलाका घने कोहरे की जद में रहा। पटना में दिन के 11 बजे तक दृश्यता का 1000 मीटर से भी कम देखा गया। इससे विमान परिचालन पर भी असर पड़ा। दोपहर 11:30 बजे के बाद पहला विमान उतर सका। राज्य भर में 6 डिग्री के साथ मोतिहारी और बांका सबसे ठंडा जिला रहे। पटना का न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान आंशिक कमी के साथ 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो 48 घंटे बिहार वालों के लिए सावधानी बरतनी होगी क्योंकि बारिश के साथ वज्रपात का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।